की जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों की जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों की जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों की जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एडमिनिस्ट्रेशन हाय 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 हाय। एडमिनिस्ट्रेशन हाय 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 हाय। देखिए जी, मैं अभय बका, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग, और हमारी सारी यूथ की टीम यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट की और प्रोविंस की। हम लोग यहाँ पे SMGS हॉस्पिटल के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर लॉन्च किया है। हमने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। इनकी यही जो आपने बात की, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, पुराना हॉस्पिटल, आज फैसिलिटीज़ देखिए यहाँ पर, एक एक बेड पर चार चार बच्चों को एडमिट किया जा रहा है, चार चार बच्चों को एडमिट किया जा रहा है, और उसके बाद जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उनके अटेंडेंट बाहर कॉरिडोर में लेटे हुए हैं। इस गर्मी के माहौल में इनके पास यहाँ पे वेटिंग हॉल नहीं है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे चला रही है, जो फंड्स आते हैं इस हॉस्पिटल को एक्टिवेट करने के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए, वो कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए, आप तो कवर करते हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमने भी ये देखा और हमारे पास यही कंप्लेंट्स आई हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं हमारे को रात भर ड्यूटी पे नहीं होते हैं, या तो किसी कमरों में सोए होते हैं, और जो अटेंडेंस है वहाँ पे, वो इंटर्न्स हैं, वो देखते हैं और वो सही तरीके से नहीं देखते हैं बच्चों को। अब देखिए, बच्चों का जो दिखाने माँ बाप आते हैं वो बहुत सेंसिटिव होता है बच्चा, एक अपने माँ बाप, किसी भी माँ बाप के लिए, और उसको आप सही तरीके अटेंड नहीं करोगे, पेशेंट से अटेंड नहीं करोगे, आप वहाँ पर उनका बदतमीजी करोगे, तो ये हॉस्पिटल का डॉक्टर जो होता है वो, उसको भगवान का दूसरा अवतार कहा जाता है, और वो बदतमीजी करे और यहाँ पर, और एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। और ये आज की बात नहीं, बहुत तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं। आप देखिए यहाँ पर, आपके लिए अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को जो प्रीमेच्योर डिलीवर हो जाता है, उसको खुदा ना खास्ता शिफ्ट करना पड़े, उसके लिए वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस नहीं है, तो इतनी देर से यहाँ पर हो क्या रहा है? और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये आम आदमी के लिए है, ये इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए नहीं है, आम आदमी की उनको बचाने के लिए है, उनकी फैसिलिटी के लिए है, और उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। उनके टेस्ट आधे यहाँ पे होते हैं, आधे उनको किए जाते हैं बाहर लैबों से कराया जाए। ये क्या हो रहा है? अंधेर कर दी है यहाँ पर। अब क्या डिमांड करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं, जो भी यहाँ पे फैसिलिटी अच्छे हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए, और जो फंड्स आते हैं इनके पास, वो फैसिलिटी यहाँ पे लोकल पब्लिक को मिलनी चाहिए। पब्लिक को क्यों नहीं मिली? पब्लिक क्यों इनके मिस मैनेजमेंट के लिए सफर करे?